Chief Minister Pramod Sawant has declared that Zilla Bhavans for North and South Goa Zilla Panchayats will come up in the next 5 years. Presently, the North Goa Zilla Panchayat members meet in Junta House and South Goa ZP members sit in the old South Goa Collectorate. Chief Minister also declared that Ambedkar Bhavan will be built once the land for the same is identified. He also said SC, ST hostels for North and South Goa will be set up. Sawant added that the implementation of provisions for neo-Buddhists will have to be taken up on the pattern of other states. CM was talking to media after the swearing-in function of ZP members at the secretariat on Monday. Assurance दिया कि जितने जल्दी हो सकता है उतने वो जल्दी clear करने वाले हैं वहाँ से. उन्होंने दो hostels के लिए special proposal भेजने के लिए कहा है, जैसे कि two district hostel for the SC, ST, OBC, OBC के लिए. उनका एक स्पेशल डिमांड है कि अंबेडकर भवन गोवा में होना चाहिए. हमारी कोशिश जारी है अंबेडकर भवन के लिए जो जगह लोकेट करनी है वो जगह लोकेट करने के लिए मैंने सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर को इंस्ट्रक्शन दिया है. जितनी जल्दी जगह फाइनल हो जाएगी उतनी ही जल्दी हम अंबेडकर भवन का कंस्ट्रक्शन गोवा में स्टार्ट कर देंगे. यानी कि बाकी सभी जो कम्युनिटीज हैं उनको अंबेडकर भवन का सबसे आगे यूज हो. नव बुद्धिस्ट की उनका ने माननीय मंत्री जी का कहना था कि नव बुद्धिस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेट से अमेंडमेंट किया है. मैंने सेक्रेटरी ऑफ सोशल वेलफेयर को इंस्ट्रक्शन दिया है. वही जो अमेंडमेंट जो न्यू अमेंडमेंट आया है नव बुद्धिस्ट के लिए वो यहाँ ला के वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. उसने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है ही विल फॉलो द प्रोसीजर व्हाट द प्रोसीजर एंड फॉलोड इन द अदर स्टेट्स. आज जिला पंचायत के सभी 49 जिला पंचायत सदस्य नॉर्थ और साउथ सभी को एक एक जगह पे बुलाया था और आज ये बहुत ही अच्छा सेरेमनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया. इस फंक्शन में हमारे पंचायत मिनिस्टर माविन गुजनो भी थे. इन सभी का आज उच्च सेरेमनी हुआ. उनकी ड्यूटीज़ राइट उनको समझा दिया. मैंने खुद करके यानी विदाउट द पॉलिटिक्स वी नीड टू रीच टू द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी उनको मेरा कहना है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है वो ह्यूमन डेवलपमेंट करना है और उसी के तहत जीपार्ट की तरफ से उनको ट्रेनिंग रहेगा और नॉट ओनली द ट्रेनिंग उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी रहेगा और इससे आगे दोनों जिला पंचायत घर सेपरेट से होनी चाहिए. मेरी वैयक्तिक है कि आज तक जिला पंचायत जुंता हाउस और जिला पंचायत साउथ गोवा के ओल्ड कलेक्टर ऑफिस में बैठते हैं. इससे आगे आगे आने वाले 5 साल में उनको जिला भवन बनाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि टू डिफरेंट जिला भवन फॉर बोथ द नॉर्थ और साउथ इनके लिए जिला भवन बनेंगे हमारी कोशिश रहेगी. थैंक यू. फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा पैंजिम.